इस वीडियो के अंदर हम लोग खेलने वाले हैं GTA 5, लेकिन आज के हम लोग टेस्ट करने वाले हैं हल्क बस्टर आर्मर को। यहाँ पर हमारे पास हल्क बस्टर आर्मर होगा। एट लास्ट हम लोग फाइट करेंगे हल्क और हल्क बस्टर की और देखेंगे कि कौन ज्यादा पावरफुल है। हेलो, व्हाट्स अप, वेलकम। वैसे ये क्वेश्चन मैं हर वीडियो में पूछता हूँ, लेकिन आज तक मेरे को एक भी बंदे ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। मतलब मैं सोचता था कि भाई कोई होगा वो रिप्लाई में लिखेगा, हाँ रचित भाई मैं बिल्कुल ही एक नंबर, कोई लिखेगा हाँ रचित भाई मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ आप बताओ, लेकिन नहीं। मतलब सच्ची में एक सिंगल बंदा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करता है कमेंट्स में। फिर मेरे को समझ में नहीं आता कि आखिर सारे के सारे यूट्यूबर ये क्वेश्चन किस लिए पूछते हैं। तो गाइस, मेरा नाम रचित है, आप लोगों का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। वैसे हर वीडियो ही ब्रांड न्यू होती है, बट ये थोड़ी सी ज्यादा से ज्यादा ब्रांड न्यू मान लो, क्योंकि गाइस आज के हम लोग खेलने वाले हैं GTA 5। टडा 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 टडा। एक्चुअली मेरे को इसका एक बैकग्राउंड म्यूजिक मिल नहीं रहा था, तो मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक मैच करके अपने आप को भी उसमें डालने की कोशिश करी। तो इससे बहुत खराब लगा होगा आप लोग को। तो वेल गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं GTA 5 के अंदर और इस माइकल के 3 महीने के बाद भी अभी तक सिर पे बाल नहीं आए हैं। वेल, वैसे मैं माइकल तेरे को बता दे रहा हूँ, अगर भाई इसके बाल आए नहीं ना तो 100% इसके बीवी बच्चे इसको छोड़ के चले जाएंगे। वेल, मेरे को याद आया इसकी बीवी तो ऑलरेडी इसको छोड़ के चली गई है। अब बता माइकल, अब कैसा लग रहा है तेरे को, तेरी बीवी तेरे को ही छोड़ के चली गई इस गेम के अंदर। वैसे इस गेम के अंदर जो इसकी बीवी है वही मेरी वाइफ है, इसका मतलब अगर वो इसको छोड़ के चली गई है इनडायरेक्टली वो मेरे को भी छोड़ के चली गई है। ओ माय गॉड, इतना बड़ा झटका, गाइस मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा यार इसके मेरे हिसाब से अब सच्ची में बाल आएंगे नहीं। वैसे देखो मेरे तो बाल आना स्टार्ट हो गए हैं, अब कोई भी रचित भाई टकला नहीं बोलेगा, समझे। मैं जब भी कमेंट्स खोलता हूँ आधे से ज्यादा लोग यही कहते हैं रचित टकला। अब तो देखो मेरे बाल आने लगे हैं, इसके बाल भी नहीं है, ठीक है। तो वेल गाइस, आज के हम लोग GTA 5 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ हमारे इस माइकल टकले ने अपने पैसों का यूज करके बहुत स्पेशल चीज खरीदी है। मतलब तुम खुद बताओ जो अमीर लोग होते हैं वो क्या चीजें खरीदते हैं भाई। वो एक बड़ा सा घर खरीद लेंगे जो कि ऑलरेडी मेरे पास है, या वो एक बहुत महंगी कार खरीद लेंगे जो कि ऑलरेडी मेरे पास है, या वो बहुत महंगी एक ऐसी चीज खरीद लेंगे जो कि बहुत ही अच्छी होगी जो कि ऑलरेडी मेरे पास है, ये साइकिल। लेकिन हमारा जो टकला माइकल है इसको एक्चुअली ये गाड़ी पाड़ी इनसे इतना लगाव नहीं है, इसको थोड़ी खतरनाक चीज चाहिए, इसको एक ऐसी चीज चाहिए जो कि सबके पास है। तो वेल गाइस, हमारे इस टकले माइकल ने गाइस हल्क बस्टर आर्मर को मंगाया है और आज के हम लोग GTA 5 के अंदर हल्क बस्टर आर्मर को पहनने वाले हैं और फिर हम लोग फाइट कराएंगे हल्क बस्टर आर्मर और हल्क की। वेल एक्चुअली मेरा ये बचपन से ही सपना था कि हल्क बस्टर और हल्क की असली से फाइट हो, कि जो पिछली बार फाइट हुई थी ना उसमें कुछ मजा ही नहीं आया था यार। मतलब पता ही नहीं लगा कि हल्क बस्टर ज्यादा पावरफुल है कि हल्क खुद ज्यादा पावरफुल है। तो वेल आज के दिन हमारा टकला माइकल हल्क बस्टर आर्मर को लेने जाएगा। वैसे मेरा हल्क बस्टर जो आर्मर है वो मेरे को एयरपोर्ट में मिलेगा, तो मेरे को सबसे पहले एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा। वैसे मैं किस गाड़ी में जाऊँ, क्या मैं इस काली वाली गाड़ी में जाऊँ, क्या मैं इस साइकिल में जाऊँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली अगर इस साइकिल को मैं वापस लेके आऊंगा और वहां पे मैंने हल्क बस्टर आर्मर पहना होगा तो इस साइकिल के पहिए पिंचर हो जाएंगे यार, इसलिए साइकिल नहीं ले जाएंगे, फिर क्या ले जाऊंगा। ओह यस, वैसे भाई मेरी लड़की की कार है, क्योंकि इस गेम के अंदर मेरी लड़की है उसकी। वैसे भाई मेरे बीवी बच्चे तो मेरे को छोड़ के चले गए हैं, तो भाई मैं इनकी गाड़ी लेके चला जाऊंगा। ज्यादा ज्यादा गुंडा करते दिखाते हो हमारे टकले माइकल के साथ, अब रुको। वेल गाइस, मैंने अपनी लड़की ट्रेसी की कार ले ली है और मैं इस कार के साथ जा रहा हूँ गाइस एयरपोर्ट पे। वैसे मैं एयरपोर्ट पे जाते जाते किसी लड़की को बिठा लूं क्या, वैसे बीवी तो छोड़ के चली गई है भाई मेरी। ओ हेलो, अरे अरे टकरा गई भाई मेरी गाड़ी। अरे मैडम भागो मत, हम गाड़ी आपके लिए लाए थे, लड़की फंसाने गए थे भाई और हमने अपनी गाड़ी ही टकरा ली। ओके कोई ना, तो हम लोग जल्दी से चलते हैं एयरपोर्ट पे। वैसे भाई आज हमारे लॉस सैंटोस में इतनी सारी भीड़ क्यों है यार, कुछ ज्यादा ही भीड़ लगी हुई है भाई आज यहाँ पर, बहुत ज्यादा ही गाड़ियाँ चल रही है यार। कोई ना, अपने को क्या है, अपने को एक्चुअली एयरपोर्ट पे जाना है और मैं आराम से बच के, मेरे को लगा कि भाई मेरी गाड़ी टकरा गई होती, अगर टकरा जाती तो बहुत खर्चा करना पड़ता है यार। ओके तो अभी हम लोग जा रहे हैं जल्दी से एयरपोर्ट पे, वहाँ पर मेरा हल्क बस्टर आर्मर आ चुका है, मैं जल्दी से वहाँ पे जाके पहनूंगा उसको एंड देन उसकी पावर्स को चेक करूंगा। बस एक्चुअली मेरे को आइडिया नहीं है उसके अंदर कौन कौन सी पावर्स हैं, तो एक्चुअली मैं अभी एयरपोर्ट पे जाने के बाद हल्क बस्टर आर्मर को पहनूंगा और एक्चुअली उसकी पावर्स चेक करूंगा, जिससे मेरे को पता लगे कि उसकी पावर्स क्या क्या है एंड एट लास्ट हम लोग हल्क से फाइट करेंगे। बस मेरे को भी देखना है यार वो हरे दानव में ज्यादा ताकत है कि हमारे हल्क बस्टर आर्मर में। देखो गाइस, काफी लोग क्या करते हैं एक्चुअली सीधे सीधे एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश करते हैं, बट हमारे जैसे लोग एक्चुअली उड़ के एंट्री मारने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं पहुंच भी पाऊंगा, अरे अरे आराम से, बस थोड़ा सा और, अरे थोड़ा सा और, यस 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 यस, ये देख रहे हो मेरे को, पुलिस वाला आ गया भाई, क्या कहेगा भाई। हेलो ऑफिसर, क्या हम अंदर जा सकते हैं? अरे ये तो हमसे क्वेश्चन पूछने लगा, हमसे गुंडागर्दी करेगा तू, है जानता है हम कौन है, जानता है हम कौन है, ये ले हमसे गुंडागर्दी करेगा, हट हट हट
ओके तो हम लोग जल्दी से अंदर जाते हैं अभी। गेट खोलो यस, देख रहे हो कितनी आराम से गेट खुला। हमारा ये टकलू जो है ना ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है भाई आसपास में। तो एक्चुअली मेरा जो हल्कबस्टर आर्मर है वो उधर साइड वाला जो तुम लोग को गराज दिख रहा है ना उसके अंदर है। एक्चुअली वो मेरा गराज नहीं है, वो मेरे पापा का गराज है। हालांकि अभी तो माइकल के पापा स्वर्ग जा चुके हैं तो एक्चुअली वो मेरा ही गराज हो गया। वैसे यही फायदा है भाई इस गेम के अंदर। एक्चुअली जितना अभी मैं रियल लाइफ में नहीं हूँ उससे 100 गुना से भी ज्यादा अमीर मैं इस गेम के अंदर हूँ। यार एक्चुअली मैं यार रियल लाइफ में एक साइकिल भी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली इस गेम के अंदर हम लोग हल्कबस्टर आर्मर को खरीद सकते हैं। तो समझ रहे हो मेरी अमीरी कि मैं कितना अमीर हूँ। ओके तो ये है मेरा हल्कबस्टर आर्मर। एक्चुअली इसको देखे तो भाई ये कितना ज्यादा बड़ा है ना ये आर्मर। ये हिला था क्या अभी? अभी ये तो हिल रहा है। अरे भाई इसके अंदर कौन है? वो एक्चुअली इसके अंदर जार्विस होगा। मेरे को लगा कि भाई इसके अंदर कहीं हल्क खुद ना बैठा हो यार। तो एक्चुअली मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि भाई ये जो आर्मर है ना ये हल्क को बहुत आसानी से हरा देगा। तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोग को क्या लगता है कि ये आर्मर ज्यादा पावरफुल है कि हल्क। और वैसे तो अपने को वीडियो के एंड तक तो पता लग ही जाएगा कि हल्क ज्यादा पावरफुल था कि इस टकलू का हल्कबस्टर आर्मर। उससे पहले मैं तुम लोग को ये दिखाता हूँ। एक्चुअली ये देखो, ये जो जगह तुम देख रहे हो ना ये हमारे पापा की जगह है जो कि अभी स्वर्ग में जा चुके हैं। वैसे ये भी नहीं पता कि वो स्वर्ग में गए होंगे। माइकल के पापा भाई बहुत ही बड़े गुंडे थे तो मेरे को नहीं लगता कि वो स्वर्ग में गए होंगे, पर तब भी हम मान लेते हैं। तो इस जगह के अंदर मेरे पास ये एक मेरा प्राइवेट जेट प्लेन है एंड इस जेट प्लेन के आगे मेरे को पता नहीं कि ये पतली पतली सी ये चीज क्या निकली हुई है। भाई अगर किसी के ये पेट में घुसी या तो मेरे सिर के अंदर घुसी तो क्या ही हाल होगा। ये देखो भाई इतनी पैनी है ना ये। और अगर हम थोड़ा सा मूव करें तो हमें गाइस यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन कार देखने के लिए मिलेगी जिसके अंदर आप अपनी फैमिली, अपने पड़ोसी की फैमिली और उस पड़ोसी की फैमिली को ले जा सकते हो एक साथ। मतलब मेरे को खुद बताओ यार एक्चुअली इतनी बड़ी कार का फायदा क्या होता है। ये कार मेरी खुद की कार है ठीक है, मतलब इस गेम के अंदर, लेकिन तब भी भाई मैं एक बार भी इस कार के ऊपर नहीं बैठा हूँ। और हंसी की बात तो ये एक्चुअली मैंने ऐसी दो दो कार ले रखी है भाई। ये देखो एक काली कार है। ओ भाई अरे स्टंट मारा भाई मैंने। ये देखो अरे अरे दोबारा कार। अरे ठीक है ये देखना है। ये नाइस हमारा माइकल गुंडा है भाई कतई। वेल मैं यही कह रहा था एक्चुअली ये दोनों कार मैंने ले रखी है बट एक्चुअली इन कार्स का मैंने कभी भी यूज नहीं किया है। कोई ना गाइस ये है हमारा हल्कबस्टर आर्मर और अभी हम इस हल्कबस्टर आर्मर को पहनने वाले हैं। तो गाइस ये है हमारा हल्कबस्टर आर्मर और अभी मैं इसको प्रेस करने वाला हूं। या। अबे अबे मेरे पीछे पुलिस पड़ गई भाई। ओ नो अरे भाई मेरे पीछे पुलिस कैसे पड़ गई यार। भाई मैंने तो बस इस आर्मर को पहना भाई और इस आर्मर को पहनते पहनते मेरे पीछे पुलिस पड़ गई। अबे अबे हेलीकॉप्टर आया भाई मेरे पास। मेरे पास कुछ पावर होगी ना। कहां है हेलीकॉप्टर? ओहो उड़ सकते हैं ना अपन। उड़ने लगे ऊपर कैसे जाना है? ओके ये रहे ऊपर। ये रहा हेलीकॉप्टर। ये ले मेरे को मारेगा। ये रहे मजा आया। ओ भाई मैंने गोली चला दी भाई। ओ माय गॉड। उड़ो यस किधर रहे हेलीकॉप्टर वाले बोल रहे ना। ये लो मजा आया। हमको मारने की कोशिश कर रहे भाई ये। अपने यहाँ से निकलते हैं। एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आया कि आखिर पुलिस वाले मेरे पीछे क्यों पड़ गए यार। भाई मैंने पुलिस वालों को क्या कर दिया भाई अब? ओके तो एक्चुअली अभी मैं शहर के अंदर आ गया हूँ। ये शहर वाले भाई मेरा ऑटोग्राफ क्यों नहीं मांग रहे? और ये देखो मैडम हेलो। ये देखो हल्कबस्टर आयरन मैन। टीवी भी नहीं देखती हो क्या? अरे कॉफी पकड़ के जा रही हो, टीवी भी नहीं देखती हो क्या? ये देखो मैं कितना पॉपुलर हूँ, ऑटोग्राफ चाहिए क्या? भाई ऑटोग्राफ के चक्कर में भाई पुलिस आ गई मेरा ऑटोग्राफ लेने, तो निकलना पड़ेगा यहाँ से। नाइस भाई कितना मजा आ रहा भाई हल्कबस्टर आर्मर के अंदर। वाओ भाई कितनी तेज उड़ रहा मैं। अरे 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 ये कहाँ पे गिर गया भाई मैं टकरा के? अरे भाई इधर तो लोग हैं। अरे 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 भागने लगे ये तो। ये आदमी क्यों नहीं मेरे से डर रहा सर? वो दिखाई नहीं दिए सारे के सारे लोग भागे, तू नहीं भागेगा? ये ले। और ये मेरे पास ही आ रहा है, तुमको मारेगा क्या? अरे ये मेरे से डर नहीं रहा भाई। ये ले अब डरेगा तू। मजा आ तेरे को भाई मार दिया इसको मेरे पीछे अभी भी। अरे ये रुको यस निशाना लगा दिया फटा एक ही बार में फटे सर मार दिया भाई एक ही बार में। तो नीचे गाड़ी और रही पुलिस वालों की। रुको इधर साइड से ना पुलिस वाले। ये रुको ये निशाना लगाया ये गया। ओ डैम गाड़ी फोड़ दी। रुक टकले तेरा भी कोपड़ा फोड़ता हूं भाई। ये ले मजा आया। ओ माय गॉड गोली मत मार। रुक मैं तेरे लिए कुछ करके दिखाता हूँ। अरे अब तो भाई मैं पूरा नाच के दिखा रहा हूँ यार। तुम लोग का ये नाच कभी भी कहीं और दूसरे जगह पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। देख रहे हो मैं कितना स्पेशल डांस कर रहा हूँ। अरे भाई ये पुलिस वाला इंसान क्या कर रहा भाई? ये देखो
अरे 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 भाई, ये तो टकरा रहा भाई गाड़ी, ये देखो भाई कहाँ पे ले जा रहा भाई, वो पुलिस वाला गाड़ी अपनी। ओके रुको, देखते हैं ये क्या करेगा, उड़ा रहा है गाड़ी। ओके ओके, ऐसे आगे क्या करेगा, रुकी क्या अभी। अरे भाई क्या कर रहे हो, ये क्या, अरे ये क्या कर रहे हो भाई। ओके चली गई आगे चली गई, गई 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 गई। ओके अबे ये करता क्या जा रहा भाई पुलिस वाला इंसान। ओके गाइस, अभी समय आ चुका है हल्क से लड़ाई करने का। कहाँ पे है तू हरा भरा इंसान, तो मेरे को लग रहा है एक्चुअली मैं हल्क बस्टर आर्मर हूँ, तो मेरे को पता है कि वो मैप के उधर साइड है भाई, वो पूरा तबाही मचाता रहता है भाई इस शहर के अंदर, इसीलिए मैंने ये हल्क बस्टर आर्मर मंगाया। अब देखता हूँ भाई कितना पावरफुल है ये। आ रहा हूँ मैं हल्क, देखता हूँ तेरे अंदर कितनी ताकत है। मेरे को लग रहा है मैं उसको बहुत आसानी से हरा दूंगा। अरे 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 भाई टकरा गया भाई मैं, जैसे ही एफपीवी मोड के अंदर आया भाई। ओए ओए मेरे पीछे, अरे मेरे पीछे हल्क है। ओ माय गॉड, ओए ये तो मारने लगा मेरे को। अरे ये तो मेरे को मारने लगा भाई। अरे हल्क आई एम सॉरी भैया, अरे आई एम सॉरी। ये ले बजाया अबे तेरे की, ये मेरे को मारने लगा भाई। अरे ये तो मेरे पीछे ही पड़ा है, कहां गया। ओए ओए भागता हुआ आ रहा है। ये ले बजाया अबे भाई, ये तो मारता भाई मेरे को। अरे तेरे की भाई, हल्क में तो बहुत ज्यादा ताकत है मेरे हिसाब से, को पावर चेंज करनी पड़ेगी। अब आ हल्क कहाँ पे है तू, ये ले। अबे खड़ा तो होन दे। अरे पकड़ लिया इसने, मजा आया फाड़ दिया मैंने तेरे को। अरे भाई मेरे को ये खड़ा नहीं होने दे रहा, ये गलत बात है। ये ले, अरे कुछ नहीं हुआ भाई, मैंने इसके सामने बम फोड़ा था यार। अरे ये ले मजा आया। रुको मैं आग निकालता हूँ, अब मजा आएगा तेरे को। रुक। अरे भाई मेरी नेक हेल्थ बची है भाई, मेरी नेक हेल्थ बची है। भागो, मेरी हेल्थ देखो नीचे, मैंने अभी नोटिस किया कि मेरी नेक हेल्थ बची। भाग रचित भाई, ये क्या हुआ था भाई, वो हरा भरा इंसान को बिल्कुल ही शर्म ही नहीं है। ये ले मजा आया अबे, ये ले मजा आया, आग जला दी मैंने इसके ऊपर। ये ले जला दिया भाई मैंने इसको, जल। अबे ये जल क्यों नहीं रहा, हम फिर से जा रहा मारने की। अबे जल, ये जल ही नहीं रहा भाई। अबे ओ भाई मार दिया इसने, ओए भाई मार दिया हल्क ने मेरे को। पहले यार मेरे को लगा तो नहीं था कि ये हरा भरा जानवर इस हल्क बस्टर आर्मर को तोड़ देगा, बट भाई क्या गंदी तरीके से मेरे को मारा है भाई उसने। वेल गाइस, आज के लिए इतना ही, मेरा नाम है रचित, मैं मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जन्म वंदे मातरम एंड बाय बाय।